हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स, लेक्चर नंबर 4 फॉर क्लास 12 में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बेस रहेगा एलसीआर सर्किट का, है ना। एक एलसीआर सर्किट से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा कि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। तो आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ टॉपिक, वो उसका बेस है। अगर ये समझ में नहीं आए तो आपको वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकता। इसलिए इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से आपको देखना है, और अगर कोई क्यूरी आपकी रह जाए तो मेरे से डिस्कस करना है। एक जो आपके रिप्लाई हैं, जो टास्क आपको वीडियो में दी जाती है, उसके रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना फ़ोन किए ही रिप्लाई कर दिया करो। ऐसा ना नहीं करना है आपको कि मैं आपके पास फ़ोन करूँ फिर आप कहो जी कर लिया था, अब करेंगे, अब थोड़ी देर में भेज रहे हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपना टाइमली उसको सेंड कर दें। अगर 6 PM तक आप नहीं सेंड कर पा रहे हो तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर बताएं मेरे को कि इस वजह से मैं सेंड नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो इतनी देर बाद मैं सेंड कर लूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, होना चाहिए कि हर बच्चे के पास कॉल करनी पड़े। आप खुद सोच सकते हो कितने बच्चों के पास कॉल करें। अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास 12th क्लास के हो गए, 85 के आसपास 11th क्लास के हो गए, और 100 एंड अबो 10th क्लास के हो गए। एंड ये मान लीजिए आप 300 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, तो किस किस को कॉल करके ये कहें कि आप सेंड करो, आप सेंड करो, आप सेंड करो। तो एटलीस्ट 12th वाले बच्चे तो समझदार हैं, इनको पता है कि काम हमें करना है, रिजल्ट भी हमें लेके आना है, नंबर भी लेने हैं। तो ये तो अपना सीरियसली काम करें, टाइमली काम करें, और उसकी रिपोर्ट भी सभी टीचर्स को सबमिट करवाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल फिजिक्स की सबमिट करवानी होती है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई टास्क मिलती है तो वो बिफोर 6 PM आप सबमिट करवाएं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रेजिस्टेंस। एक ऐसी सर्किट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल और केवल रेजिस्टेंस को छोड़ के। तो ये एसी का सिंबल क्या होता है? डीसी में बैटरी सेल बनाते थे, लेकिन इसमें क्या सिंबल बनाते हैं? ये सिंबल बनाते हैं। ये सिंबल किसका है? द सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। किससे कनेक्ट किया है? अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जो ये वैल्यू है, इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स अ पीक वैल्यू इज ई नोट साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इसके अलावा इस सर्किट में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए, लिखिए सपोज an alternating EMF E is given to the circuit shown in figure. E is equal to E naught sin omega t. This is equation number first. ये मेरे पास एक सर्किट है जिसको मैंने alternating EMF E is equal to E naught sin omega t provide करवाया। This type of circuit which containing only and only resistance is known as resistive circuit. इस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं? ये फिगर अगर मैं लिखूं किसका है? रेजिस्टिव सर्किट का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर मैं मान के चलूं कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस अगर R है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप IR होगा इफ I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। नोट कीजिए,
If I current is flowing through the circuit, if I current flowing through the circuit, then according to Ohm's law, potential drop will be IR. Potential drop will be IR. Now according to Kirchhoff's loop, instantaneous EMF of the source, is always equal to instantaneous potential drop across the resistance. यानी उसमें हमने क्या किया था, समेशन किया था, उस समेशन को जीरो रखा था, तो समेशन के अंदर जो दो पार्ट थे जिनका सम किया था उन दोनों को अलग अलग करके और हमने थोड़ा सा जो किरचॉफ रूल है उसको मॉडिफाई कर दिया, यानी जो इक्वेशन है उसको मॉडिफाई करके लिखा. इट मीन्स उस रूल के अकॉर्डिंग तो ये हुआ ई नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर. ये मेरे पास रिलेशन आगे है और इसको अगर मैं और सोल्व करना चाहूँ तो ये हो गया ई नोट अपोन में आर और साइन ओमेगा टी. सपोज ई नोट अपोन में आर इज इक्वल टू आई नोट, देयरफॉर आई इज इक्वल टू I is equal to I naught sine omega t. This is equation number second. Now it is clear from the equation first and second. We see that E and I, both E and I are the function of sine omega t. And also it is clear, from equation first and second, both alternating EMF and alternating current are in same phase, in a purely resistive circuit, यानी हमने लिखा है कि E और I दोनों साइन ओमेगा T के फंक्शंस हैं और इस इक्वेशन से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जिस टाइम पे ये E मैक्सिमम होगा उस टाइम पे I भी मैक्सिमम होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या रख सकते हैं, E नोट बाई R. तो जब ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, जब ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, जब ये जीरो तो ये भी जीरो. ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? देखिए यहाँ पे ई नोट और आई नोट दोनों डायरेक्टली डिपेंड करते हैं तो इसका तो फंक्शन हुआ खत्म. अब बात करते हैं आगे, तो ई इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन साइन ओमेगा टी एंड ऑल्सो आई इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन साइन ओमेगा टी. इट मीन्स दोनों साथ साथ चलेंगे. दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे. अब ये फेज क्या होता है? शायद तो आप को मैंने फेजर डायग्राम्स बनाने 11th क्लास में सिखाए थे ओसिलेशन एंड वेव में. दो दो तीन तीन दिन तक लगातार आपके फेजर डायग्राम्स चले थे
तो ये फेजर डायग्राम होता क्या है या फेज होता क्या है? तो फेजर डायग्राम लिख लीजिए, ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेव फेजर ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फेजर डायग्राम। एक ऐसा डायग्राम जो टाइम के रेस्पेक्ट में किसी वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को, उसके एम्पलीट्यूड को, उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करे, उसको क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो एक ऐसा डायग्राम जो इनको शो करे, यानी जो चलने का तरीका है, वो वेव है, उस वेव की रिप्रेजेंटेशन करे टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे? फेजर डायग्राम। तो इस तरह से ये तो हो गया आपका, किसके लिए मान के चल रहा हूँ कि ये जो आपके पास मैंने एक वेव ड्रॉ की है, ये आई के लिए होगी है। किसके लिए होगी है? आई के लिए होगी है। देखिए इस साइड में दोनों चीज़ लेनी हमें, ई बी और आई बी, और इधर आपका क्या लेना होता है? टाइम। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है जो मैंने बनाया है इसको ई के लिए, किसके लिए बनाया है इसको मैंने? ई के लिए बनाया है। ऐसे ही मैं अगर आई के लिए बनाऊँ तो जिस टाइम पे ये शुरू हो रहा है तो आई भी शुरू हो रहा है, जिस टाइम पे ये मैक्सिमम हो रहा है आई भी मैक्सिमम हो रहा है, जब ये मिनिमम तो आई भी मिनिमम, और जब ये जीरो तो आई भी जीरो। इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी आई के लिए। ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, तो इसको लिखूँगा ई नोट, और ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, इसको लिखूँगा आई नोट। दिस इज़ द फेजर डायग्राम। ये आपका क्या रहेगा? फेजर डायग्राम रहेगा। क्लियर। इस फेजर डायग्राम को और भी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पे एलसीआर सर्किट आएगा और उसमें इम्पीडेंस ट्रायंगल बनानी पड़ती है, वो जो ट्रायंगल है वो इसका कन्वर्जन अगर आप सीखोगे एक दूसरे फॉर्म में तब ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। तो ये तो है आपका ग्राफ। ठीक है, ये क्या हुआ ग्राफ की कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, तो इसको फेज में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, ये भी इसको भी फेजर डायग्राम आता तो ये बना के आ जाओगे, तो गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो मैंने बताया है कि वो अच्छे फिगर्स और मैक्सिमम फिगर आप बनाओगे और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दिया किसी को नहीं, ये तो इसलिए बताया जाता है, ये दो तरीके या एक तरीका जो भी है आपका, कि जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको केवल पासिंग मार्क्स लेने 70% 80% तक पहुंचना है, वो अगर इन दो में से एक भूल जाए तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। ज़्यादा इधर उधर कोशिश ना करें कि पता नहीं क्या आएगा, इस चक्कर में गलत बना दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, अगर नहीं बनाओगे तो बहुत कम चांस है नंबर कटने के, लेकिन एक तो ज़रूर बनाना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जिनको मार्क्स मैक्सिमम लेने हैं
उनको दोनों डायग्राम बनाने होते हैं, कौन कौन से, वेव डायग्राम भी और फेजर डायग्राम भी। क्लियर है? तो वेव से ही फेजर डायग्राम बनता है। किससे बनता है? वेव से ही फेजर डायग्राम बनता है। तो मैं एक टू कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई मैंने लिया है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन मैं लेके चल रहा हूँ। एट एनी एंगल, जो ओमेगा टी की कोई ना कोई वैल्यू के ऊपर मैंने बताया कि ये जो है ये कितना है, ओमेगा टी, समझ गए, यानी टाइम के साथ साथ ये आपका बदलेगा, ओमेगा टी। क्लियर है ना? ये आपका क्या है, ओमेगा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो वहाँ से हमने थीटा की वैल्यू किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रखी है, ओमेगा टी के फॉर्म में। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, टी क्या हो गया, ये टाइम पीरियड मत बोल देना इस टी को, इसको टाइम पीरियड नहीं बोलना, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है आपका कि टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, ये टाइम वेरिंग है, फिक्स नहीं है, जो स्मॉल टी हमने लिखा है ये फिक्स नहीं होता है, ये बदलता रहता है, यानी चेंजेबल, वेरिएबल है। तो ये हमने बनाया कि मैं इसके ऊपर शो करना चाह रहा हूँ। तो जो ओमेगा टी की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, ओमेगा टी की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ये जो है ये मैंने बताया है आई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई नोट साइन ओमेगा टी, एंड इसी के ऊपर मैं दिखाया है मैंने कहीं ना कहीं किसको, ई को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई नोट साइन ओमेगा टी, दैट इज द फेजर डायग्राम। ये आपका क्या रहेगा, फेजर डायग्राम, ये है ई नोट साइन ओमेगा टी और ये है आपका आई नोट साइन ओमेगा टी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों आपके साथ साथ चल रहे हैं, दोनों आपके साथ साथ चल रहे हैं, इट मीन्स बोथ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ आर इन सेम फेज फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट के में ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, जो कि ये आपका ग्राफ शो कर रहा है। इस ग्राफ से ये इसका कन्वर्जन हो गया किस में, फेजर डायग्राम में। कई बच्चे सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट ही ये याद कर लेंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप डायरेक्ट इसको याद करोगे तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले ये ग्राफ बनाना ज़रूर सीखें और ग्राफ से इसको बनाएं, अदरवाइज आप रट के इसको बनाओगे तो गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के चल रहा हूँ जिसको मैं यूज़ करूँगा, आप याद रख लीजिए। यहाँ पे मैं करंट को मान रहा हूँ लड़का, करंट एक ही लड़का है, और ईएमएफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको मैं मान रहा हूँ लड़के। ठीक है, यानी कंसिडर्ड दैट आई जस्ट लाइक ए बॉय एंड ई जस्ट लाइक ए गर्ल। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ज़्यादा वेरिएशंस पाथ के अंदर नहीं है तो अपवाद की अगर बात करें तो इतने ही अपवाद लड़की करती है, इतने ही अपवाद लड़का करता है, यानी दोनों की गलतियां बराबर हैं, इसलिए दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका रास्ते के अंदर वेरिएशंस बदल जाती हैं, रास्ते के अंदर वेरिएशंस ज़्यादा आ जाती हैं, देन लड़के को लड़की के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। अभी नेक्स्ट डायग्राम में हम समझेंगे कि लड़की अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, उसके साथ लड़के को चेंज करना पड़ता है। बट यही चीज़ अगर अप्लाई करके देखें कि ये सभी आपस में एक साथ हो जाएं, यानी
वो दो तीन पेयर ऑफ गर्ल एंड बॉयज़ है ना, टू और थ्री पेयर्स ऑफ गर्ल एंड बॉयज़ अगर साथ साथ हो, तो ऐसी कंडीशन में, यानी मान के चलिए तीन लड़के और तीन लड़कियां, ऐसी कंडीशन में लड़के किसी की नहीं मानते, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके अकॉर्डिंगली लड़की को अपना पाथ चूज करना पड़ता है या उसके अकॉर्डिंग ही लड़की को चलना पड़ता है। ये बातें आप माइंड में सेट करके रखिए, फेजर डायग्राम कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अगर रास्ते के अंदर वेरिएशंस कम है तो लड़की अपना रास्ता कभी चेंज नहीं करेगी, उस लड़की के अकॉर्डिंग ही लड़के को चलना पड़ेगा। लड़का कौन? करंट। लड़की कौन? नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। अब की बार में मान के चल रहा हूँ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह क्या कर रहा हूँ मैं? इंडक्टेंस। तो अब मेरे को बताइए, एक ऐसा सर्किट जो केवल रेजिस्टेंस जिसके अंदर था उसको मैं क्या बोल रहा था? रेजिस्टिव सर्किट या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ऐसे ही अगर एक इंडक्टर हो, एक सर्किट के अंदर केवल इंडक्टर लगा हो, तो उसको मैं बोलूँगा इंडक्टिव सर्किट। क्या बोलूँगा? इंडक्टिव सर्किट। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो दुनिया में कोई भी सर्किट प्योर नहीं हो सकता, कोई भी सर्किट प्योर नहीं हो सकता, लेकिन ये एक केवल इमेजिनेशन है कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस ना हो? नहीं हो सकता ना। तो जो इंडक्टर है वो तो एक स्प्रिंग के जैसा है ना, ये हेलिकल फॉर्म में एक वायर होता है कॉपर का, उसको या सॉरी कॉपर का नहीं, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, कॉपर से तो आपका सोलेनोइड बनाया जाता है, सोलेनोइड के लिए फिक्स होता है। चलिए, हेलिकल फॉर्म में कंडक्टिंग वायर अगर हो तो वो आपका इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। वो डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हमें यूज़ करना है, किस तरह की डिवाइस में हमें यूज़ करना है, तो मटेरियल उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर ये रेजिस्टिव मटेरियल का बनाया जाता है। अब रेजिस्टिव का बनाया जाता है, चलिए मान लिया मैंने कि रेजिस्टिव का नहीं बनाया, फिर भी क्या किसी स्प्रिंग का रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यानी एक प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव या प्योर रेजिस्टिव सर्किट बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये हमारी केवल क्या है? इमेजिनेशन है। तो मान लीजिए यहाँ पे कि जो हमने लिखा है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं इस तरह के सर्किट को? इंडक्टिव सर्किट भी बोल देते हैं। किसको? ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर लगा हो उसको इंडक्टिव सर्किट बोल सकते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज सपोज्ड टू बी जीरो देन सच टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। उसको क्या बोल देते हैं? प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोल देते हैं। तो ऐसी हमारी इमेजिनेशन रहेगी। लेट अस कंसीडर ए सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस जीरो। एक सर्किट है जिसके अंदर केवल और केवल क्या है? एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? जीरो, एंड इट्स इंडक्टेंस इज एल, एंड इट्स इंडक्टेंस इज एल। ऑल्सो फॉर दिस द इंस्टेंटेनियस EMF E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा T इज अप्लाई। इसके लिए भी जो EMF है, अल्टरनेटिंग EMF इंस्टेंटेनियस, वो कितना अप्लाई कर रखा है? E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा T, ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये तो मेरी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब याद कीजिए इंड्यूस्ड EMF को, when the flux link with the coil is changes, self inductance आया था ना, then back EMF is induced in the coil, उस coil के अंदर एक opposite direction में EMF induced हो जाता है,
तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो आपका क्या रहेगा, नोट कीजिए, एज अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, ए बैक ईएमएफ माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इज सेटअप विच अपोजिज द अप्लाइड ईएमएफ. इट मीन्स नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई माइनस एल डी आई बाई डी टी. मेरे पास नेट जो ईएमएफ है वो ये बच जाएगा. ठीक है, चाहो तो आप इसमें वही आपका लूप ला लगा सकते हो. तो मैं कहूंगा यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, वी नो दैट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो. इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो मीन्स ई माइनस एल डी आई बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो और वी कैन राइट ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है. नाउ अब मैं करना चाहूँगा करंट को यूज यहीं पे. अब मैं क्या यूज करना चाहूँगा, यहीं पे करंट को यूज करना चाहूँगा. सोल्व दिस फॉर डी आई. यहाँ से डी आई को अलग कर लीजिए. डी आई इज इक्वल टू ये आपका एल है, ये तो आ जाएगा नीचे, है ना, ई बाई एल डी टी. ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठा के यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एल ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी. ये मेरे पास रिजल्ट आया है. यहाँ से इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई है, डी आई बाई डी टी. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस बोथ साइड, इसको दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए. तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ये लो, तो ये तो हो गया टोटल करंट आई और विच इज इक्वल टू वन अपॉन एल होता है कॉन्स्टेंट, ई नोट होता है कॉन्स्टेंट, ई नोट बाई एल मैंने ले लिया बाहर, साइन का होता है माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी, ये मैंने टी लिखा नहीं यहाँ पे ओमेगा टी डी टी, और अपॉन में क्या कर दोगे. अब यहाँ पे लिमिट थी नहीं इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है. तो यहाँ पे मेरे पास आई इज इक्वल टू क्या आया, ये माइनस बाहर ले आता हूँ, माइनस ऑफ ई नोट अपॉन एल ओमेगा. अब मेरे को ये बताइए, ओम्स ला का जब मैं यूज कर रहा था तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता था, भाई आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाता, या यानी मेनली मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आता है आर. तो यहाँ पे जो हमने यूज किया है सर्किट उसमें क्या है, ये रेजिस्टेंस तो है नहीं, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है इंडक्टेंस. यहाँ पे क्या है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को तो एल से लिखते हैं, तो इसका मतलब इंडक्टेंस में कोई चीज अपोज करे उसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस, सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स एल. यानी मेरे पास रिजल्ट आना था आई इज इक्वल टू क्या रहा है यहाँ पे, ई नोट अपोन में ये माइनस, चलो एज इट इज रहने देता हूं, और यहां पे आ रहा है आपका एल ओमेगा. मैं कह रहा हूं कि यहां पे क्या आना था एक्सएल. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आई, इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल ओमेगा, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा. याद रखना है, याद रखना है एक्सएल इज इक्वल टू
xl इज इक्वल टू एल ओमेगा। चाहो तो ओमेगा की वैल्यू 2π t वगैरह वगैरह लिख सकते हो, बाकी एज इट इज रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैं लिख के चल रहा हूँ, इसको आप साइड में लिख लीजिए केवल और केवल इतना, ऐसे e इज इक्वल टू ई नोट बाई एल ओमेगा और विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नोट बाई एक्स एल, देयर फोर एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा। क्या है ये एक्स एल? इंडक्टिव रेजिस्टेंस। क्या है? इंडक्टिव रेजिस्टेंस। चलिए I इज इक्वल टू ये आ गया, आगे मैं लिख देता हूँ कोस ओमेगा टी। अब बात करते हैं इस कॉन्स्टेंट की, तो देखिए जिन बच्चों को बहुत अच्छे पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं वो तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देगा इस कॉन्स्टेंट को हटाने की, और जिसको केवल और केवल ये है कि याद रहे या ना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप कॉन्स्टेंट को छोड़ दोगे नहीं लिखोगे तो भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फॉर योर नॉलेज और ज़रूरी भी है आपकी इस चीज़ को पता होना कि कॉन्स्टेंट का हमने क्या किया, कहाँ पे गया। वी नो दैट इन केस ऑफ एसी द एवरेज करंट इन कंप्लीट साइकिल मस्ट बी जीरो। हमें पता है एक एसी सर्किट के अंदर एक कंप्लीट साइकिल में टोटल करंट की वैल्यू जीरो होती है। सिमिलरली जो एवरेज वैल्यू ऑफ कोस ओमेगा टी आवर ए कंप्लीट साइकिल और इन ए वन यूनिट ऑफ टाइम, एक यूनिट यानी एक साइकिल का जो टाइम है उसके अंदर इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी? जीरो। इट मीन्स इन दिस इक्वेशन वी हैव टू यूज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। हम कॉन्स्टेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं? देखिए यहाँ पे कंप्लीट साइकिल की बात करूँ तो ये तो वैल्यू होगी जीरो, तो ये सारी वैल्यू को मैं क्या रख सकता हूँ? यहाँ पे जीरो के बराबर रख सकता हूँ। तो ये तो इधर आप इन बाकी टर्म्स को आपस में मिला के इसी नोट को इसके साथ लेके आओ। ठीक है, अगर इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो कोस ओमेगा टी में एक कंप्लीट साइकिल लेके चलो तो एक साइकिल में इसकी भी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये टर्म बन गई जीरो, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। क्लियर है ना ये चीज़ आपकी? भाई आई तो जीरो हो गया एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में कोस ओमेगा टी की वैल्यू भी एवरेज वैल्यू भी क्या आएगी? जीरो। तो ये जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो केवल सी बचा, बाकी इधर की सारी टर्म्स ये सारी क्या होगी? जीरो। तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। इसलिए मैं कॉन्स्टेंट को यहाँ पे क्या कर देता हूँ? गायब। सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? सी को जीरो ले सकता हूँ। तो आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नोट, ये मेरे पास रिजल्ट बना, मेरे पास ये रिजल्ट बन गया है। अब मेरा काम है इसको इस फॉर्म में लेके आना, तो इसमें केवल ये है कि इसमें कोस है, इसमें क्या रहा है? साइन। तो मैं चाहता हूँ कि उस फॉर्म में इसको लिख दो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई नोट बाई एल ओमेगा इज इक्वल टू आई नोट, ई नोट अपोन में एल ओमेगा इज इक्वल टू आई नोट। तो ये आ गया आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नोट अपोन में, नहीं सॉरी सॉरी, माइनस ऑफ आई नोट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मेरे को पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये 90 को लिखता हूँ पाई बाई टू, माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख देता हूँ? ओमेगा टी। वो किसके बराबर आएगा? कोस ओमेगा टी के बराबर। जो बायो वाले बच्चे हैं वो या सभी इसको एक बॉक्स में जरूर लिखे, वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी। तो मैं ये यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कोस की जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ? साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब इस नेगेटिव को अंदर ले जाइए, है ना, नेगेटिव को अंदर लेके जाओगे तो ये आ गया आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखिए क्या हुआ है, e इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और वहाँ पे आ रहा है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इट मीन्स
एक इंडक्टिव सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ साथ साथ नहीं चलते। यहाँ पे मैं इस ओमेगा टी की वैल्यू मान लिया 5 रखता हूँ या 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ। यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो इसमें से 90 और सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा, आई आएगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ई अल्टरनेटिंग करंट आगे चलता है 90 डिग्री के एंगल से, किस से, अल्टरनेटिंग करंट से, किस के अंदर, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर। मीन्स ई लीड्स बाय 90 डिग्री टू करंट इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट। एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में ई लीड्स करता है, यानी लीड्स मतलब आगे निकल जाता है 90 डिग्री से, किस में, किस से, करंट से, किस में, एक इंडक्टिव सर्किट में। तो यही हमें यहाँ पे लिखना है, नोट कर लीजिए। इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट, नहीं लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इट इज क्लियर दैट ई लीड्स बाय 90 डिग्री टू I in a pure inductive circuit, या in a pure inductive circuit the alternating currents lags by 90 degree to the alternating EMF. In a pure inductive circuit the alternating current lags by 90 degree to the alternating EMF, to the alternating. तो अब देखिए इसका फेज डायग्राम हमें बनाना है, तो फेज डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं फेज डायग्राम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कि ग्राफ बनाना है, इनके बीच में क्या बनाना है, कि ग्राफ बनाना है। तो क्या करें ग्राफ बनाने के लिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि अकेले अकेले चलेंगे तो ई की माननी पड़ेगी किसको, आई को, तो ई तो अपने अकॉर्डिंग सही चलेगी और उसके हिसाब से अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा किसको, आई को। इधर क्या है, ई एंड आई। तो अब देखिए ये जो करंट है इससे पीछे रहना चाहिए, कितने से, 90 डिग्री से, यानी जब ये 0 तो वो -1, वो कितना, -1, जब ये 90 तो ये कितना, 0, जब ये 0 तो ये कितना, 90, जब ये 90 तो ये कितना, 0, जब ये 0 तो ये कितना, नेगेटिव वैल्यू इसकी, और जब ये 90 तो ये यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे तो ये कहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे। अब इसको आपस में मिला दीजिए, आपके पास ग्राफ है, ऐसे इस तरह से डायग्राम हमें बनाना है। ये किसके लिए है, ई के लिए है, और ये किसके लिए है, आई के लिए है। इस जगह पे ये कितना ई नोट, और इस जगह पे ये कितना आई नोट, ठीक है। ये ग्राफ हमें यहाँ पे बनाना होता है, ये ग्राफ हमें यहाँ पे बनाने होते हैं, एक आई के लिए और एक ई के लिए। बनाना सिखा रखा है आपको, आपको बनाना सिखा रखा है। ये जो गैप है ये कितने का है, पाई बाई टू का है, ठीक है। ये गैप कितने का है, पाई बाई टू का है।
अब इसका यूज करके और क्या बनाना है, फेजर डायग्राम। तो मैंने कहा था फेजर डायग्राम के अंदर एक टू कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें लेना पड़ता है, ये एक्स और ये आपका वाई। मैंने कहा था कि ई अपने अकॉर्डिंग सेम चलता रहेगा, तो ई अपने अकॉर्डिंग सेम चला, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ई नोट। क्या क्या दे दिया मैंने, ई नोट, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी है और ये ए नोट मेरा आया है। ये कितना आया मेरा, इसमें अगर ओमेगा टी रहा तो इससे 90 डिग्री कम, इस ओमेगा टी की जो वैल्यू है इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट करके क्या लिख देना है मेरे को, क्या लिख देना है मेरे को, आई। यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री पीछे, तो अच्छे तरीके से ये बनाइए कि ये एंगल कितना बन जाए 90 डिग्री। तो इधर आपका क्या रहना है, आई नॉट, इधर आपका क्या रहना है, आई नॉट। तो ये किसके लिए है, आई, ये क्या है, वाई डैस। बढ़िया फेज डायग्राम, क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने कहा ई के लिए पहले बना दो, उसके बाद आई का क्या करना, आगे करना पीछे करना, वो डिपेंड करता है आपके ग्राफ पे। तो क्या करना था, आई पीछे करना, कर दिया पीछे, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं फेजर डायग्राम्स, इस तरह से बनाते हैं फेजर डायग्राम। उसके बाद एक छोटा सा ग्राफ इससे रिलेटेड और आ जाता है, वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस विद फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। द इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, यानी एक्स एल इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्टली डिपेंड के लिए ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो फ्रीक्वेंसी को कहाँ पर लेना होता है, टाइम एक्सिस, सॉरी यहाँ पे टाइम लेना होता है, टाइम को कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या ले लो, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या ले लो, एक्स। तो ये इसके बीच में ग्राफ आपका होता है, क्लियर है। दिस इज द ग्राफ, इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एक्स एल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और EMF, क्लियर है। तो आज के वीडियो में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया है। इसके बाद जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट था उसको यहाँ से हटा दिया गया है, सिलेबस में से हटा दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डायरेक्ट आपका LCR सर्किट ही होगा, लेकिन मैं LCR सर्किट जब आपको करवाऊँगा तो उसमें ये फेज डायग्राम कैपेसिटर का भी अलग से पहले बनाना सिखा दूँगा, क्योंकि हो सकता है ना कि LCR ही ज़्यादा आता है पेपर में, या अकेले अकेले बहुत कम आते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि LCR ही आए, हो सकता है ये आज करवाएं इनमें से भी एक आ जाए, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता कि कौन सा टॉपिक आएगा, लेकिन कुछ ये फिक्स होता है कि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो वो है एल, सी और आर, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये फिक्स है, लेकिन किससे रिलेटेड आ जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए सारे ही आपको डीपली स्टडी करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, अगर फिर भी नहीं आए तो आप मेरे से डिस्कस करें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।